Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start with our next exercise 13.1. बच्चे लास्ट वीडियो में मैंने आपको 13 चैप्टर की इंट्रो दी है जिसमें मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलेज हमारी जो सर्टेन फिगर्स आपकी इस सिलेबस में आनी है वो मैंने आपको करवा दी थी. देयर वर सिक्स फिगर्स, देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वी हैव डन. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइजेस, हमें वो फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई करने हैं अब हम वो करेंगे, राइट? सो नाउ इस एक्सरसाइज के बच्चे जो आपके एग्जाम्पल्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3. ओके, ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, 2 और 3 को अच्छे से कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, राइट? सो स्टार्टिंग विद आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो रीड इट विद मी. बच्चे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने जो क्वेश्चन हैं उनको करते हैं. इस चैप्टर में आपके सारे स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आएंगे, तो हमें जस्ट स्टेटमेंट रीड करनी है, फिगर को स्टडी करना है एंड देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली. ओके, सो व्हाट योर क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, लेट मी ड्रॉ फॉर यू. Like this. ठीक है बच्चे, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ये, जिसमें इसकी साइड कितनी दी गई है आपको, 7 सेंटीमीटर्स. मतलब क्यूब की तो ऑल थिंग्स आर सेम, इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो सारी आपको कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड. अब जो ये 7 सेंटीमीटर है, इसमें इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. इसको सरमाउंटेड मीन्स इसके ऊपर डाला गया है, इसके ऊपर रखा गया है, सरमाउंटेड, राइट? तो इसके ऊपर बच्चे क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है, दिस इन दिस वे. ओके, तो आपने बताना है कि वो जो हेमिस्फीयर है वो कितने ग्रेटेस्ट डायमीटर का हो सकता है, मतलब उसका डायमीटर कितना बड़ा हो सकता है जो उसके ऊपर फिट आ जाए. तो अगर हम नॉर्मली देखें बच्चे, उसके ऊपर उतने ही साइज का ही फिट आ सकते हैं जितनी उसकी साइड है, मतलब 7 सेंटीमीटर ही होगा ना. देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब इसका सरफेस एरिया भी बताना है कि जो ये पूरा सॉलिड बना है इसको ढकने के बाद, इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया क्या है, राइट? सो लेट्स डू द क्वेश्चन. As you can see, the hemisphere can occupy the whole of the side of the cube. ये पूरी साइड कवर कर रहा है बच्चे, hemisphere. So, greatest diameter of hemisphere किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, साइड ऑफ द क्यूब, है ना, उतनी साइड का, दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो ये डायमीटर जो है ये कितने का हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर का. ऑल राइट, अब आपको नेक्स्ट क्या पूछा गया बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. देखो इस एक्सरसाइज में आपकी ये फिगर्स ऐसे आएंगी, कोई या तो कोई भी फिगर उसके ऊपर सरमाउंटेड की गई है या किसी फिगर में से दूसरी शेप को काटा गया है. लाइक अगर इसी शेप में से हेमिस्फीयर को काटा जाता है, सिलेंडर को काटा जाता, तब उसका सरफेस एरिया बताना था, राइट? तो हम बच्चे क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालने के लिए जो भी दोनों फिगर्स होंगी उनके सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे, प्लस जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, लाइक ये पार्ट, ये इसका भी हमने ले लिया और इसका भी ले लिया, इसको डिडक्ट कर देंगे. गेटिंग? जैसे कि अभी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब का तो सारा ही एरिया आएगा क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी है, ऊपर वाला पार्ट भी है, राइट? प्लस ध्यान से देखिएगा बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट? हेमिस्फीयर का कर्व्ड आएगा क्योंकि ये जस्ट अपर पार्ट आ रहा है, बट जो ये बेस है दोनों में कॉमन है. अब क्या करेंगे, तो दो बार ले लिया हमने इसलिए इसको वन टाइम माइनस कर देंगे, क्या, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. आई होप यू आर गेटिंग, ये अच्छे से समझ आ गया बच्चे. अब हम क्या करते हैं,
इंडिविजुअली ये चीजें कैलकुलेट करते हैं. टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे बच्चे. टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा क्यूब का? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, यू नो द फॉर्मूला, दैट इज 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर दैट इज 6 × 7 × 7 विच गिव्स यू, मल्टीप्लाई कीजिए, 294 cm² राइट. ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. नाउ वी विल डू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? दैट इज 2πr² है ना. सो 2πr² करेंगे अब हम. 2 × π क्या होगा बच्चे? 22/7 × r इज योर r. देखो अब यहां से ध्यान से देखिएगा, डायमीटर 7 है तो r क्या हो गया आपका? r क्या हो गया बच्चे? 7/2. 7/2 उसका हाफ ही लेंगे ना, राइट. सो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका आ गया 77 cm². दो चीजें आ गई आपको इस फॉर्मूले की. एक हमें क्या चाहिए? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सो बेस एरिया कैसे निकलेगा? बेस एरिया जस्ट दिस इज इन अ सर्कुलर शेप. सो बेस एरिया का फॉर्मूला होगा बच्चे πr². सो πr² को कैलकुलेट कीजिए. 22/7, आर जस्ट हमने किया था 7/2. 7/2 कैंसिल आउट कीजिए, यू विल गेट 77/2 cm². ओके, दिस इज सो हियर. नाउ अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई जो हमें चाहिए थे. टोटल सरफेस एरिया भी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और ये भी है. अब हम क्या करेंगे, इनको इसमें पुट कर देंगे. टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका? 294. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बच्चे? 77. एंड बेस एरिया क्या है? 77/2. यही आया है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, आपका आएगा 371. ये आपका आएगा 38.5. सॉरी बच्चे, माइनस है, राइट. देन माइनस करके आपका आंसर आया 332.5 cm². ओके, तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज 332.5 cm². ऑल राइट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th. नाउ बच्चे कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आफ्टर दिस 4th वी हैव क्वेश्चन नंबर 5th. ओके, क्वेश्चन नंबर 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट योर क्वेश्चन सेज, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. एक आपको क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिया गया है. ओके, लाइक दिस. तो अब इसमें क्या है बच्चे, इसके अंदर से, जैसे वो तो सरमाउंटेड था, अब इसके ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया गया है. इस पार्ट को कट करके निकाल दिया गया है. गेटिंग दिस वन, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर की डायमीटर पूरी क्या है? एल. तो हमें पता है कि हेमिस्फीयर का जितना साइड होगी वही साइड इज ऑफ दिस इज हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. मीन्स इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें अब एल हो जाएंगी. यही बोला गया बच्चे, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड. अब जब हेमिस्फेयर को कट आउट करके निकाला है, अब जो रिमेनिंग सॉलिड हमें उसको निकालना है. ओके, सो वी आर हेयर विद व्हाट, डायमीटर हमारे पास कितना है? एल. डायमीटर इज एल, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे? L/2, राइट. एंड साइड ऑफ द क्यूब कितनी दी गई है आपको, जो कि ए स्क्वायर होती है ना, ए होती है ना हमारी, वो हमें कितनी दी गई है? एल, राइट. सो अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब इसमें भी हमें चीज़ें कुछ डिडक्ट करनी पड़ेंगी, कुछ ऐड.
सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जाएगा ही, क्योंकि पूरा क्यूब है, राइट। प्लस जो ये चीज निकली है बच्चे, इसका ये पार्ट भी तो होगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। बट बच्चे ये पार्ट दोनों का कॉमन ले लिया हमने, वही क्या कटआउट करना पड़ेगा, बेस जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वही, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर द सेम एज वी डिड अर्लियर वन इंडिविजुअली। अब सारी चीजें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 6a² दैट इज 6l². कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको फॉर्मूलेज आ जाने चाहिए, ओके, 2πr². सो हम इसमें डालेंगे 2πr, क्या है आपका l, l by 2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 2πl² by 4, ये 2 से 2 कट गया तो πl² by 2, राइट। एंड बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होगा, सर्कल शेप में होता है, दैट इज πr², पाई आर क्या है बच्चे l/2, इट विल बी योर πl² by 4, ओके। अब हम इनको जो जो हमारी ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, इनको हम किस में पुट करते हैं, द गिवन फॉर्मूला में जो हमारे पास है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l², कर्व्ड सरफेस एरिया इज πl² by 2, ये ऐड होगा, बेस एरिया माइनस होगा, ये याद रखिएगा, ओके। सो सॉल्विंग इट, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए बच्चे, इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का 4 आएगा, इट विल बी 2πl² - πl², ओके। ये कितना रह जाएगा, 6l² + πl² by 4। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, l² 6 + π/4। अब l² एज इट इज, इनका एलसीएम लेंगे तो 4, इट विल बी 24 + π, ओके। सो बेस, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ टोटल सॉलिड, हमारे पास कितना आया बच्चे, 4 को कॉमन ले आओ आगे, 1/4, ये l², और बाद में क्या रह गया, 24 + π, यही है, दिस इज योर आंसर, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 5th बच्चे, बिल्कुल सेम 4th जैसे ही है, बस यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, जस्ट l, बस उसको डाल देना, ओके। नाउ बच्चे, मूविंग टू द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। सो 9th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, मतलब आपको एक सिलेंडर गिवन है बच्चे, लाइक दिस, ओके, राइट। तो इस सिलेंडर में से आपके दो हेमिस्फीयर्स को कट किया गया, स्कूप मतलब निकाला गया है, ऐसे इनको निकाल दिया और इसको निकाल दिया, ओके, एज शोन दिस इन फिगर। नाउ इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm, इट्स हाइट गिवन टू यू इज 10 cm एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, तो जो ये रेडियस का बेस है ये कितना गिवन है बच्चे, 3.5 cm, तो सिलेंडर का भी वही रहेगा और हेमिस्फीयर का भी सेम रहेगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल, जब हमने उनको निकाल लिया है तो अब आर्टिकल का सरफेस एरिया क्या होगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड किसके इक्वल होगा, देखो जो सिलेंडर है वो तो जस्ट हमें आउटर कवर लेना है, इस चीज को समझना कि हमें कर्व्ड लेना है कि कंप्लीट लेना है, ओके। सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फीयर हैं, चाहे ये सरमाउंटेड हो चाहे स्कूप हो, आपको उनको ऐड करना ही है, सो 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
right? So let's find out curved surface area of cylinder क्या होता है बच्चे, individually find out करते हैं हम. सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, comment below. Okay, 2 into pi 22 by 7 r radius हमें दी गई है क्या 3.5, h क्या है 10, right? ओके, कटिंग कर दीजिए अगर है तो ये आपकी आई 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होगा बच्चे, 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 इंटू पाई इज आर इज 3.5 ओके. तो हमारा ये कट होने के बाद आएगा बच्चे 77 जब आप इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये दो चीजें चाहिए थी, फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 220 प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 77. 220 प्लस 77 टू जा इज 154. 220 प्लस 154 गिव्स यू 374. सो नाउ सो द टोटल सरफेस एरिया, अगर कोई पूछे सॉलिड इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर. ओके बच्चे, सो हेयर वी कंप्लीटेड द 13.1. आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनते हैं बच्चे, ये हाँ मैंने वो सॉल्व आउट आपको अच्छे से करके दिखा दिए हैं, एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन इन एनी एग्जांपल, जस्ट कमेंट बिलो, आई विल सॉल्व फॉर यू ऑल्सो. ओके, थैंक यू.